गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे हमारा चैप्टर नंबर 16 डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ क्लास 11th। तो अभी तक हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ लिया, हमने जो हमारे डाइजेस्टिव ऑर्गन्स हैं उसके बारे में हम पढ़ चुके हैं, जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं वो भी हमारे कंप्लीट हो गए हैं। तो अब हम बात करते हैं फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन की। देखिए, फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन क्या होता है कि जो डाइजेशन की प्रोसेस है, ठीक है, वो किस तरीके से हो रही है और कौन कौन से एंजाइम उसके अंदर इन्वॉल्व हैं, कौन से एंजाइम्स इन्वॉल्व हैं, हमारे जो कंपोनेंट्स हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनका डाइजेशन कहाँ से शुरू होता है, प्रोटीन है उनका डाइजेशन कहाँ से शुरू हो रहा है, फैट्स कहाँ पे डाइजेस्ट होते हैं, ठीक है। तो इस बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, पॉलीमर्स की। देखिए, पॉलीमर क्या होते हैं, पॉलीमर होते हैं लार्जर सब यूनिट होती हैं फूड की, ठीक है, फूड की लार्जर सब यूनिट जो कि अनडिजॉल्व होते हैं, ठीक है, नॉर्मली किसी भी चीज़ में डिजॉल्व नहीं होती, उनको कहा जाता है पॉलीमर्स। अब जो हमारे एंजाइम है वो क्या करते हैं, इन्हीं पॉलीमर्स के ऊपर एक्ट करके इन पॉलीमर्स को स्मॉल सब यूनिट में डिवाइड करते हैं, फूड की स्मॉलर सब यूनिट, ठीक है, जिनको क्या कहा जा रहा है, मोनोमर्स कहा जा रहा है। और मोनोमर्स जो होते हैं वो डिजॉल्व हो सकते हैं वाटर के अंदर या जिसमें भी हम डिजॉल्व करना चाहें वहाँ पर डिजॉल्व हो सकते हैं। तो पॉलीमर्स क्या होती हैं, लार्जर सब यूनिट होती हैं, और मोनोमर्स क्या हैं, स्मॉलर सब यूनिट्स। अब लार्जर सब यूनिट को स्मॉलर सब यूनिट में कन्वर्ट करने की जो प्रोसेस होती है, मतलब लार्जर सब यूनिट का हाइड्रोलाइज करके स्मॉल में कन्वर्ट करना, उस प्रोसेस को क्या कहा जा रहा है, डाइजेशन कहा जा रहा है। अब मैंने कहा कि पॉलीमर्स जो थे, ठीक है, पॉलीमर्स जो थे उनको, उनका हाइड्रोलिसिस किया गया और उनको मोनोमर्स में कन्वर्ट किया गया। अब हाइड्रोलिसिस क्या होता है, हाइड्रोलिसिस क्या होता है, इट इज़ द प्रोसेस इन विच पॉलीमर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, न्यूक्लिक एसिड आर ब्रोकन डाउन इन टू मोनोमर्स बाई एडिशन ऑफ वाटर विद द हेल्प ऑफ एंजाइम। ये कह रहा है कि जो पॉलीमर्स होते हैं किसके, कार्बोहाइड्रेट के, फैट के, प्रोटीन के और न्यूक्लिक एसिड के, उनके जो पॉलीमर्स होते हैं उनको कन्वर्ट किया जाता है किसमें, स्मॉल सब यूनिट में, मोनोमर्स में, ठीक है, किसकी हेल्प से, एंजाइम्स की हेल्प से। और क्या ऐड किया जाता है उसमें, वाटर को ऐड किया जाता है, तब उनका क्या किया जाता है, हाइड्रोलिसिस किया जाता है, और इस प्रोसेस को बोल रहे हैं हाइड्रोलिसिस, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम डाइजेशन ऑफ फूड की, और सबसे पहला जो हम कंपोनेंट ले रहे हैं हमारा वो है कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, हमारे जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट जो किससे बन रहे हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बन रहे हैं कार्बोहाइड्रेट्स। ये कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं वो तीन टाइप के होते हैं, पॉलीसेकेराइड्स, डाइसेकेराइड्स एंड मोनोसेकेराइड्स। पॉलीसेकेराइड्स सबसे लार्जर यूनिट होती हैं, डाइसेकेराइड्स पॉलीसेकेराइड के कंपैरेटिवली छोटी होती हैं बट मोनोसेकेराइड से बड़ी होती हैं, ठीक है। देन आता है मोनोसेकेराइड जो सबसे स्मॉलर सब यूनिट होती है। पॉलीसेकेराइड और डाइसेकेराइड दोनों के दोनों टूट कर, ब्रेक डाउन होकर क्या बनाते हैं, मोनोसेकेराइड बनाते हैं। पॉलीसेकेराइड और डाइसेकेराइड दोनों, जब दोनों का ब्रेक डाउन होता है तो क्या बनता है, मोनोसेकेराइड्स बनते हैं, ठीक है। पॉलीसेकेराइड में हमारे पास आता है स्टार्च एंड सेलुलोज। सेलुलोज कहाँ मिलता है, प्लांट्स में मिलता है। स्टार्च कहाँ होता है, हमारे अंदर होता है, ह्यूमन बींग्स में, एनिमल्स में, ठीक है। नेक्स्ट आता है डाइसेकेराइड। स्टार्च जो है वो अनाज जो होते हैं, सीरियल्स जो होते हैं उनसे मिलता है। डाइसेकेराइड जो है वो है सुक्रोज, माल्टोज एंड लैक्टोज। सुक्रोज, सुक्रोज किससे मिलता है, जो केन शुगर है, केन शुगर जो होती है, ठीक है, उससे मिल रहा है। माल्टोज, माल्टा, ऑरेंज लाइक जो हमारे पास जो फ्रूट्स होते हैं उनको कहा जा रहा है माल्टा। लैक्टोज जो है वो किससे मिल रहा है, मिल्क से। मोनोसेकेराइड में आते हैं ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। अब बात करते हैं जो एंजाइम्स कार्बोहाइड्रेट्स को डिवाइड करते हैं, जो एंजाइम्स कार्बोहाइड्रेट्स के ब्रेकडाउन में हेल्प करते हैं, उन एंजाइम्स को कहा जाता है कार्बोहाइड्रेसेस, ठीक है। एंजाइम्स होते हैं, एंजाइम्स दैट ब्रेक डाउन कार्बोहाइड्रेट्स। तो जो एंजाइम्स कार्बोहाइड्रेट्स को ब्रेक डाउन कर रहे हैं उनको क्या कहा जा रहा है, कार्बोहाइड्रेसेस।
अब बात करते हैं कि जो कार्बोहाइड्रेट है भाई, कार्बोहाइड्रेट हमने लिया, ठीक है, जो फूड था कार्बोहाइड्रेट जिससे हमें मिल रहा है वो हमने लिया, खाया, खाने के बाद वो कहाँ जाएगा? सबसे पहले हमारे ओरल कैविटी में जाएगा, मतलब हमारे माउथ में जाएगा, और माउथ में हमारे पास क्या होता है? सलाइवा होता है, ठीक है। सलाइवा में क्या होता है? सलाइवा के अंदर हमारे पास क्या होता है? एक एंजाइम होता है जिसका नाम होता है सलाइवरी अमाइलेज। तो क्या होगा कि जो स्टार्च होता है, जो हमारा कार्बोहाइड्रेट है, वो किस फॉर्म में है? स्टार्च की फॉर्म में, पॉलीसेक्राइड की फॉर्म में। तो जब वो स्टार्च गया तो जो सलाइवरी अमाइलेज जो एंजाइम है वो स्टार्च को तोड़ देगा, किस में? ब्रेक डाउन कर देगा, माल्टोज, आइसोमाल्टोज एंड अल्फा डेक्सट्रिन्स में, ठीक है। स्मॉल सब यूनिट होती हैं डेक्सट्रिन्स की, उनको कहा जाता है अल्फा डेक्सट्रिन्स, तो अल्फा डेक्सट्रिन्स में उनको कन्वर्ट कर देगा। माल्टोज, आइसोमाल्टोज एंड अल्फा डेक्सट्रिन में कौन कन्वर्ट कर रहा है? सलाइवरी अमाइलेज कन्वर्ट कर रहा है। इसके अलावा हमारे जो ओरल कैविटी होती है उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं क्या? लाइसोजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जो कैसे करते हैं? एंटी बैक्टीरियल या एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। और क्या होते हैं? बाइकार्बोनेट आयंस होते हैं, बाइकार्बोनेट आयंस होते हैं। ये बाइकार्बोनेट आयन क्या होते हैं कि जो फूड होता है उसकी जो एसिडिटी होती है, एसिडिक जो फूड होता है उसको क्या करता है? उसको, उसकी एसिडिटी को न्यूट्रलाइज कर देता है बाइकार्बोनेट आयन। तो ये हो गया, ये सब होता है, ये सारी प्रोसेस होती है कहाँ पे? हमारी ओरल कैविटी के अंदर। फिर क्या होता है? जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसका डाइजेशन अब इंटेस्टाइन में कैसे होता है वो देखते हैं। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या होता है हमारे पास कि जब फूड आता है, ठीक है, ओरल कैविटी से जब मतलब ईसोफेगस के थ्रू, स्टमक के थ्रू हमारा जो फूड है वो जब स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है, तब क्या होता है? उस फूड के अंदर क्या होती है? एसिडिटी होती है, ठीक है, एसिडिक नेचर का होता है वो। तो एट ए टाइम जैसे ही स्मॉल इंटेस्टाइन में आया तभी के तभी तो डाइजेशन स्टार्ट नहीं हो रहा, मतलब जैसे ही पहुंचा वैसे ही डाइजेशन हुआ, ऐसा तो नहीं होगा। तो क्या होता है कि वेगस नर्व होती है, वेगस नर्व होती है, 10th क्रेनियल नर्व होती है हमारी, हम पढ़ेंगे इसके बारे में, ठीक है। 10th क्रेनियल नर्व होती है जो कि कमांड देती है, और जो सिक्रेटिन एंजाइम होता है, ठीक है, सिक्रेटिन एंजाइम के बारे में हम पढ़ चुके हैं, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एंजाइम जो होता है सिक्रेटिन, बर्नर्स ग्लैंड, ये सब क्या करते हैं? ये क्या करेंगे? ये एक वाटरी म्यूकस फ्लूड जो है, जो अल्कलाइन नेचर का होता है, उसको रिलीज़ करेंगे, ठीक है। वेगस नर्व जो है वो कमांड देगी, उसके बाद क्या होगा कि ये सारी चीज़ें क्या करने लग जाएगी? बर्नर्स ग्लैंड और सिक्रेटिन जो है वो एक वाटरी म्यूकस फ्लूड जो है, जो अल्कलाइन नेचर का है, उसको सिक्रेट करना शुरू कर देंगे। देखो, हमने ये भी पढ़ा था कि जो म्यूकस होता है ना वो स्मॉल इंटेस्टाइन की जो वॉल्स होती हैं उनको डाइजेस्ट नहीं होने देता, उनको डाइजेशन से बचाता है, हम ये कर चुके हैं। तो क्या होता है कि ये जो म्यूकस फ्लूड है ये अल्कलाइन नेचर का है। अब हमारा जो फूड आ रहा है वो कैसा है? एसिडिक है। तो ये क्या करेगा? उसको न्यूट्रलाइज करना शुरू कर देगा। फिर इसके ऊपर एक्शन करेगा हमारा पैनक्रियाटिक जूस और इंटेस्टाइनल जूस। सबसे पहले पैनक्रियाटिक जूस क्या करेगा कि जो स्टार्च होता है उसको किस में? पैनक्रियाटिक जूस के अंदर जो एंजाइम होता है उसको कहा जाता है अल्फा अमाइलेज। तो पैनक्रियाटिक जूस का जो एंजाइम है अल्फा अमाइलेज, वो स्टार्च पर एक्ट करके स्टार्च को कन्वर्ट करेगा किस में? माल्टोज में, आइसोमाल्टोज और अल्फा डेक्सट्रिन में, ठीक है। फिर क्या होगा? एक्शन ऑफ इंटेस्टाइनल जूस। अब हमारे पास ये बन गए भाई, माल्टोज बन गया, आइसोमाल्टोज और अल्फा डेक्सट्रिन है। अब ये तो क्या है? ये क्या है? डाइसेक्राइड्स है ना। अब डाइसेक्राइड्स है, हमें तो क्या चाहिए? हमें क्या चाहिए यहाँ से? मोनोसेक्राइड चाहिए। तो क्या होगा? जो इंटेस्टाइनल जूस है वो एंजाइम सीक्रेट करना शुरू करेगा। जो माल्टोज है वो कन्वर्ट हो जाएगा ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में, ग्लूकोज एंड ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा। कौन से एंजाइम से? माल्टेज की हेल्प से, माल्टेज एंजाइम। आइसो माल्टेज ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा, आइसो माल्टेज। शुक्रोज जो है वो ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कन्वर्ट हो जाएगा। ये क्या है? ये सारे क्या हैं? मोनोसेक्राइड्स हैं, ठीक है। ये तो मोनोसेक्राइड है ना, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, ये सब मोनोसेक्राइड हैं। तो शुक्रोज क्या करेगा? शुक्रोज कन्वर्ट हो जाएगा ग्लूकोज और फ्रक्टोज में, किसकी हेल्प से? शुक्रेज की हेल्प से। लैक्टोज लैक्टेज की हेल्प से कन्वर्ट हो जाएगा,
ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज में अल्फा डेक्सट्रिन जो हैं अल्फा डेक्सट्रिनेज से ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। अब हमारे पास एक टॉपिक आता है लैक्टोज इनटॉलरेंस। लैक्टोज इनटॉलरेंस क्या होता है कि देखिए जो ह्यूमन बींग्स होते हैं उनके अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो लैक्टोज को डाइजेस्ट कर सकें, है ना। लैक्टेज एंजाइम होता है उनमें, वो लैक्टोज को डाइजेस्ट कर देते हैं। मिल्क जो होता है, मिल्क में लैक्टोज होता है, मिल्क से ही तो मिलता है लैक्टोज, तो मिल्क को डाइजेस्ट कर देते हैं। लेकिन कुछ ह्यूमन बींग्स ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर लैक्टेज का जो अमाउंट होता है ना, जो एंजाइम है लैक्टेज, उसका अमाउंट कम होता है। तो उसका अमाउंट कम होने की वजह से क्या होता है कि कुछ लोग मिल्क को डाइजेस्ट नहीं कर पाते, ठीक है, और इससे उन्हें अलग अलग तरीके से प्रॉब्लम आती हैं। जैसे उनके इंटेस्टाइन जो होते हैं, इंटेस्टाइनल क्रम्स होने लग जाते हैं, डायरिया हो जाता है उन्हें, क्योंकि वो उसको डाइजेस्ट ही नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। लैक्टोज को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उनके अंदर लैक्टेज जो एंजाइम होता है उसकी कमी है। तो क्या होता है कि ऐसे पर्सन को क्या करना चाहिए, मिल्क की जगह मिल्क को अवॉइड करके उनको क्या लेना चाहिए, कर्ड लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि कर्ड के अंदर क्या होता है कि लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, जो लैक्टोज होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, लैक्टिक एसिड में। तो वो अच्छा होता है हमारे लिए, ठीक है, क्योंकि हमारे पास लैक्टेज नहीं है तो लैक्टोज को तो हम डाइजेस्ट कर ही नहीं सकते, तो लैक्टिक एसिड को तो डाइजेस्ट किया जा सकता है। तो इसलिए मिल्क को अवॉइड करके क्या यूज़ करना चाहिए, उनको कर्ड लेना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।